हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शरीर में होने वाली खून की कमी और नसों में कमजोरी के बारे में। अगर आप में इन दोनों में से कोई भी इशू है तो आपको कैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं, कब ये बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में आपको देखने को मिलेंगे, और घर में मिलने वाली बहुत ही आम चीज़ें जिससे आप इन दोनों ही चीज़ों को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत लोगों में जड़ से भी सही हो जाती है अगर इन चीज़ों को आप नियमित रूप से प्रयोग करते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आप इसे अंत तक ज़रूर देखिए और मेरे साथ बने रहे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, खून की कमी पूरे भारत में बहुत ही आम समस्या है और अगर ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रह जाए तो आपको काफ़ी घातक परेशानियाँ भी कॉज कर सकती है। तो पहले हम जानेंगे इनकी कमी के वजह से होने वाले लक्षणों के बारे में, उसके बाद में इनके कारणों के बारे में बताऊँगी कि किन कारण से आप में इस तरह की परेशानियाँ देखने को मिलने लगती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खून की कमी अगर आपके शरीर में है तो कैसे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगी, छोटे छोटे काम करने में भी आपको बहुत ज़्यादा एक्सर्शन फील होगा, आपको सांस लेने में तकलीफ महसूस हो सकती है, आप सीढ़ियाँ चल रहे हैं, नॉर्मल वॉक कर रहे हैं उसमें भी आपकी सांस फूल सकती है, आपके हाथ पैर का कलर एक पीला सा, एक सूखा बेजान सा देखने को मिले, आपकी आँखों का जो स्क्लेरा है वो एक पीलापन लिए हुए हो, नाखून बहुत जल्दी जल्दी टूटते हो, ब्रिटल से होने लगते हों, इसके साथ साथ आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हों, बहुत ज़्यादा ब्रिटल रूखे बेजान से होने लग गए हों, आपको डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी रह रही हो, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील कर रहे हो, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल गड़बड़ होने लग जाता हो, बार बार आपको पैल्पिटेशन, एंजाइटी, इरिटेशन जैसे लक्षण आने लगते हो, नींद इम्पेयर्ड होने लगते हो, ये सारे आपके शरीर में खून की कमी के लक्षण माने गए हैं। अब बात करते हैं नसों में अगर आपको कमजोरी आ रही है तो कैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। आपको आए दिन आपके काफ मसल्स में पेन महसूस हो सकता है, आपकी हड्डियों से कट कट की आवाज़ महसूस हो सकती है, आपको हाथ पैर में झंझनाहट की स्थिति देखने को मिल सकती है, नमनेस फील हो सकती है, जो हमारी शाटिका नस है उसमें आपको पेन बढ़ सकता है, मसल्स में पेन बढ़ सकता है, जॉइंट्स में पेन देखने को मिल सकता है। ये एक बहुत ही आम समस्या है, इवन पहले तो ये चीज़ें ओल्ड एज के लोगों में देखने को मिलती थी, अभी ये यंग एज में भी उतना ही कॉमन हो गया है। मेरे पास बहुत ही यंग एज के लोग हैं जिनमें इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा सीवियर कंडीशन में ये सिचुएशन उनमें देखने को मिलने लगती है। अब बात करेंगे इनके कॉजेस के बारे में कि क्या ऐसे कारण हैं जिसके वजह से आप में जो इस तरह की कंडीशंस डेवलप होती हैं। विटामिन डी की कमी, विटामिन बी12 की कमी, इनफैक्ट आयरन की कमी, विटामिन सी की कमी आपके शरीर में सारी परेशानियां आपका कारण बनाती हैं और इनकी लंबे समय तक जो डेफिशिएंसी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके सॉल्यूशंस के बारे में। दोस्तों, इसको आप अपने जो घर में मिलने वाले बहुत सारी जो डाइटरी चीज़ें हैं उनसे बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, बट बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऐसे लाइफस्टाइल में हैं कि आपका वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आपका लाइफस्टाइल बहुत हेक्टिक है, तो आपको वो सारे न्यूट्रिएंट्स घर में इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते, या फिर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग जॉब में हैं, इन सारी चीज़ों से आपको दिक्कत आती है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जो बैलेंस डाइट लेते भी हैं तो बहुत लंबे समय तक उसको फॉलो नहीं कर पाते, जिसके फलस्वरूप आप कुछ दिन तक तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं बट आगे आप फिर से अपने पुराने ही ढर्रे पर आने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप आपके शरीर में अगेन डेफिशिएंसी शुरू हो जाती हैं। और बहुत अगर आप इन सारी चीज़ों को हमेशा के लिए अच्छे से मेंटेन रखना चाहते हैं तो आपको एक अच्छे सप्लीमेंट की तरफ जाना चाहिए, जिसमें इन सारे चीज़ों को आप एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में पर डे लेते रहें ताकि आपके शरीर में इन सारी चीज़ों की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं होने पाए। और अगर आप भी एक बहुत अच्छे मल्टीविटामिन के बारे में सोच रहे हैं तो आज आपको मैं रिकमेंड करूंगी फाइटिका ब्रांड का दोस्तों Vita 365, एक बहुत ही अच्छा और कॉम्पैक्ट विटामिन है जिसके अंदर आपको विटामिंस के साथ साथ मिनरल्स भी मिलते हैं। इसमें 12 विटामिंस 8 मिनरल्स साथ में मिलते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर बहुत अच्छी मेडिसिनल हर्ब्स भी मिलते हैं, जैसे कि जिनसेंग, अश्वगंधा। दोस्तों, ये जिनसेंग एंड अश्वगंधा आपके शरीर में जो स्ट्रेस की कंडीशन होती है उसको कम करता है, शरीर में एनर्जी मेंटेन करने का काम करता है, मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। साथ ही साथ ये एक ऐसा विटामिन है जिसके अंदर प्रोबायोटिक्स भी मिलते हैं जो आपके गट हेल्थ को भी अच्छा करने में हेल्प करता है। साथ ही इसके अंदर कोई भी डोपिंग एजेंट्स नहीं पड़े हुए हैं। ये कॉर्न फ्री है, साथ में सोया फ्री है, प्रिजर्वेटिव फ्री है, ग्लूटेन फ्री है, और इसके अंदर इसकी RDA वैल्यूज़ भी मेंशन है, FSSAI से
अप्रूव्ड है, आप इसको डेफिनेटली ले, ये आपके जो डेली की जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की वो पूरी तरह से पूर्ण करने में सक्षम है। आप इसके एक से दो टैबलेट खाना खाने के आधे घंटे बाद ले सकते हैं। और अगर आप भी इसका एक चाहते हैं कि आपके शरीर के जो न्यूट्रिएंट्स एक हेल्दी कंडीशन में इम्प्रूव्ड हों, तो जो ये फाइटिका का वीटा 365 एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है आपके लिए। इसको आप अगर परचेज करना चाहते हैं, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, आप इसको ज़रूर चेक करें और आपको इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो घर में मिलने वाली चीज़ें हैं कि उनसे आप अपने आयरन, अपने B12 और विटामिन सी को कैसे अच्छा कर सकते हैं। विटामिन सी का ऐड होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए सी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तभी आपके शरीर में आयरन पूरी तरह से एब्जॉर्ब होता है। तो सबसे पहले हम आयरन के बारे में बात करेंगे। आयरन के लिए आप बीटरूट ले सकते हैं, आप स्पिनिच यानी कि पालक ले सकते हैं, बीटरूट यानी कि चुकंदर ले सकते हैं, आप जो डेट्स यानी कि खजूर होता है उसको ले सकते हैं, आप चिकन ले सकते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं आप एप्रिकॉट का प्रयोग कर सकते हैं, आप इवन जैगरी यानी कि जो गुड़ होता है उसका सेवन कर सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, अनार का सेवन कर सकते हैं। इन सारे ही चीज़ों में ह्यूज अमाउंट ऑफ आयरन मिलता है, इसको आप अपने डेली रूटीन्स में ऐड करिए, इनसे भी आपको आयरन बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगा। नेक्स्ट हम विटामिन सी के बारे में बात करेंगे जो हमारे बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब कराने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इसके लिए आप जो है सिट्रस फ्रूट्स जो भी हैं उनका सेवन कर सकते हैं, जैसे कि मौसम्बी हो गया, संतरा हो गया, इनका प्रयोग कर सकते हैं, आप आंवले का प्रयोग कर सकते हैं, आप कीवी का प्रयोग कर सकते हैं, आप ग्वावा यानी कि अमरूद का प्रयोग कर सकते हैं, पपाया का प्रयोग कर सकते हैं, बेल पेपर, स्पेशली जो शिमला मिर्च होती है, स्पेशली रेड वाली शिमला मिर्च में भी आपको विटामिन सी मिलता है, आप उन सबको भी अपने डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन सी मिल जाएगा। अब बात करेंगे विटामिन B12 के बारे में कि किन सोर्सेस से आपको विटामिन B12 मिल सकता है। B12 के लिए दोस्तों आप फिश है, मीट है, एग है, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं जो नॉन वेजिटेरियंस हैं। वेजिटेरियंस के लिए योगर्ट है यानी कि कर्ड है, आप प्रयोग कर सकते हैं, पनीर का प्रयोग कर सकते हैं, साथ ही जो पल्सेस हैं उनसे भी आपको अच्छी मात्रा में ये मिल जाते हैं, बीन्स हैं उनमें भी आपको B12 मिल सकता है। इन सारी चीज़ों को आप ऐड करें, इससे आपको B12 भी सोर्सेज फॉर्म में बहुत अच्छे से मिल जाएगा। विटामिन डी के लिए आप बेस्ट है मॉर्निंग की जो सुबह की 7-8 बजे की तक की जो धूप होती है उसमें आप प्रतिदिन कम से कम आधे घंटे के लिए बैठें, उससे आपकी स्किन पे जब विटामिन डी पड़ेगा तो आपकी स्किन स्वयं ही विटामिन डी का प्रोडक्शन बॉडी में बढ़ाएगी और आपकी बॉडी में विटामिन डी एक सफिशियंट अमाउंट में बनना शुरू होगा। तो ये एक बहुत ही नेचुरल सोर्सेस है, इनमें से जो चीज़ें भी आपके लिए कन्वीनियंट है आप उनका प्रयोग करके अपने न्यूट्रिएंट्स को अच्छा कर सकते हैं। बट अगर आप इनको लेने में सक्षम नहीं है और आपका रूटीन ऐसा है कि आप इनको बहुत डेली बेसिस पे मेंटेन नहीं कर सकते, तो उसके लिए विटामिंस आर ऑलवेज अ बेस्ट ऑप्शन, आप इसको ले सकते हैं। एक चीज़ और मैं बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहती हूँ, ये मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में सुना है कि लोगों को लगता है कि विटामिंस खाने से आपका वेट बढ़ने लगता है, आपके किडनी पे असर आने लगता है, आपके लीवर पे असर आने लगता है, ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है और इसका दूर दूर तक विटामिन से कोई लेना देना नहीं है। विटामिंस आपके फर्स्ट ऑफ ऑल एक नॉन मेडिकेटेड कंटेंट है जो आपके शरीर में उन पौष्टिक तत्वों को कम करते हैं जो आप खाने से पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे, विटामिंस आपके शरीर में कभी वजन नहीं बढ़ाएगा क्योंकि उसके अंदर कोई भी फैट कंजम्पशन नहीं है, कुछ भी फैट नहीं जा रहा है, तो आपके शरीर में उससे आपको वेट नहीं बढ़ेगा। तीसरा, कोई भी विटामिंस आपके शरीर में आपके किडनी को नहीं डैमेज करेगा या लीवर को डैमेज नहीं करेगा अनटिल अनलेस आपने इतनी ज़्यादा मात्रा में विटामिंस खाए हैं कि वो आपका जो उसकी रेंज होती है उसे काफ़ी ऊपर चला गया है और बहुत लंबे समय तक अगर ऐसा बना है तो ही वो आपकी किडनी पे असर कर सकता, अन्यथा इसका कोई भी एविडेंस नहीं है। इवन बिल्कुल ऐसे आज तक मैंने कभी अपने पेशेंट्स में ये नहीं देखा कि कोई विटामिंस खा के अपनी किडनी खराब करता हो। तो प्लीज़ ऐसे किसी भी भ्रामक चीज़ों पे नहीं जाएं, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है आपको तो अपने न्यूट्रिएंट्स हमेशा आपको अच्छे रखने पड़ेंगे ताकि आपके शरीर का जो डिफेंस सिस्टम है वो अच्छा हो और आप हर छोटी से छोटी बीमारियों से लड़ने के लिए सक्षम रहें। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ताकि वो भी अपनी परेशानियों को ठीक रख सकें विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती हूँ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड हेल्दी।